आगरा में हुए धर्मांतरण के मामले पर विवाद बढ़ने के बीच सरकार ने लोकसभा में कहा कि वो इस मुद्दे पर कानून बनाने की पक्षधर है। लोकसभा में धर्मांतरण पर हुई चर्चा के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उनकी सरकार को जनता ने विकास के लिए चुना है और सरकार का ध्यान भी विकास के मुद्दे पर ही है। हाउस में जो बहस चल रही है इसका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या संबंध है, आपको समझ में नहीं आया? RSS means is the great organization in the country ready for selfless service, that is RSS. I feel proud, madam, I have the RSS background. Because of RSS background, discipline, character, caliber, capacity, I have come to this level. Let there be anti-conversion laws in all the states. Let there be anti-conversion law at the center also. Let us all seriously work towards the progress. इससे पहले विपक्षी दलों ने धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। मैं घोर निंदा करता हूं इन घटनाओं की। अगर इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी घटना हो तो उस संविधान को सुरक्षित करना इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, प्रजातंत्र का राष्ट्र है। आप सरकार में रहे या न रहे, लेकिन इस देश की कल्पना रहेगी, इस देश की धर्मनिरपेक्षता की सरकार की कल्पना रहेगी और वो हमारे जीन में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सदन में प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय ने कहा कि सदियों पुराने धर्मनिरपेक्ष समाज के ताने बाने को न बिगाड़ते हुए आपसी भाईचारे को कायम रखा जाना चाहिए। कई भेदभाव हैं, उन सारे भेदभावों पर हम लोग यहाँ संकल्प ले एक प्रस्ताव पास किया जाए, संकल्प लिया जाए कि किसी स्तर पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव बनाया जाए, अपने साथियों से कहेंगे मिलकर एक प्रस्ताव पास करें जहाँ देश के सामने एक संदेश जाएगा कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। 5000 ईयर ट्रेडिशन, लेट इट नॉट बी डिवाइडेड असंडर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी। लेट अस टुगेदर मार्च टुवर्ड द फ्यूचर इन एन यूनाइटेड वे एज वाज एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली बुधवार को राज्यसभा में भी आगरा में हुए कथित धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा था, जबकि गुरुवार को हुई चर्चा के बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD News, दिल्ली।